वेलकम टू टेक एक्सपर्ट। स्वागत है आप सभी का साइंस फन और इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दुनिया भर में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने दो नए स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई है। इसे Xiaomi की सहयोगी कंपनी 70MAI ने पेश किया है। इन दोनों को 70MAI A1 और 70MAI A1 Pro नाम से पेश किया गया है। आइए आपको इन स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक की तरह दिखने वाले ये स्कूटर XiaoAI स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट से लेस है। Xiaomi के इन दोनों स्कूटर्स की डिजाइन एक जैसी है। बैटरी साइज और फीचर के आधार पर दोनों मॉडल एक दूसरे से अलग है। इनके फ्रंट में स्क्वायर शेप LED हेडलाइट और हेडलाइट के ठीक नीचे एक कंपनी का लोगो है। दोनों काफी हल्के स्कूटर है। इनका वजन मात्र 55 किलोग्राम दिया गया है। बैटरी और चार्जिंग समय की बात करें तो Xiaomi के इन स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में ब्रशलेस DC मोटर और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लिथियम आयन बैटरी दी गई है। बैटरी को 7.5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। रेंज और स्पीड की बात करें तो दोनों स्कूटर में एक सबसे बड़ा अंतर इनकी रेंज में है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर A1 स्कूटर 60 किलोमीटर जबकि A1 Pro 70 किलोमीटर तक चलेगा। इनकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ग्राउंड क्लियरेंस और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इन स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर है। इनके 14 इंच के वैक्यूम टायर फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। इनके सस्पेंशन मोटरसाइकिल्स स्टैंडर्ड के हैं। चेचिस को कोल्ड रोल्ड स्टील पाइप और Q195 कार्बन स्टील का यूज करके बनाया गया है, जिसे सेफ और कंफर्टेबल राइडिंग सुनिश्चित करने के लिए डाई कास्टिंग के माध्यम से इंटीग्रेटेड किया गया है। फ्यूचर की बात करें तो Xiaomi के इन दोनों स्कूटर में 6.86 इंच की स्मार्ट सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन है, जिसे XiaoAI स्मार्ट वॉइस कंट्रोल सपोर्ट मिलता है। यह डिस्प्ले टच और वॉइस कमांड सपोर्ट करता है। इस स्क्रीन में क्रूजिंग स्पीड, रियल टाइम में बैटरी पावर, बिल्ट इन म्यूजिक, रेडियो एप, कॉल रिमाइंडर और नेविगेशन जैसी जानकारियां भी मिलती है। कीमत की बात करें तो A1 स्कूटर की शुरुआत कीमत 2,999 चीनी युआन यानी करीबन 32,000 रुपए है, जबकि A1 Pro की कीमत 3,999 चीनी युआन यानी करीबन 42,000 रुपए है। फिलहाल इन स्कूटर्स को चीन में लॉन्च किया गया है। कंपनी का अभी भारत में इनको लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों, ये थी Xiaomi की तरफ से आने वाली अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।